और जानकर इसके रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को द कश्मीर फाइल 600 स्क्रीन पर रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में दर्शकों की मांग पर इसे 2700 स्क्रीन पर रिलीज करना पड़ा। इसी आधार पर फिल्म क्रिएटर्स को लगता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म 300 से 350 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेगी। शुक्रवार को फिल्म ने 3,25,00,000 रुपए कमाए। शनिवार को ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच गया। रविवार और सोमवार को 15-15 करोड़ रुपए, वहीं मंगलवार को 18 करोड़ रुपए कमाकर इसने सबको चौंका दिया। ये फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। कश्मीर has never been an integral part of India. साल 1975 में रिलीज हुई जय संतोषी माँ के बाद ये पहली ऐसी फिल्म है जो छोटे बजट से छोटे स्तर पर रिलीज की गई, फिर भी इसने कमाई के मामले में सबको हैरान कर दिया। जय संतोषी माँ फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसने सिनेमा घरों को मंदिर बना दिया था। जूते चप्पल उतार कर लोग फिल्म देखने जाते थे। इस फिल्म के मुख्य रोल यानी संतोषी माता का रोल एक्ट्रेस अनीता गुहा ने किया था, जिन्हें ये किरदार निभाने के बाद लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया करते थे। ऐसा ही कुछ द कश्मीर फाइल्स के लिए देखा जा रहा है। लोग नारेबाजी करते हुए थिएटर से निकल रहे हैं और इसकी वजह से पहले रिलीज हुई फिल्मों की कमाई प्रभावित हो रही है। लेकिन इससे जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पब्लिक और क्रिटिक्स के अच्छे रिस्पांस के बावजूद IMDb ने इस फिल्म की रेटिंग घटा दी है, जबकि दर्शकों की वोटिंग के आधार पर फिल्म को 10 में से 9.9 रेटिंग मिली थी, जिसे बाद में घटाकर 8.3 कर दिया गया, जिस पर